अस्सलाम वालेकुम, वी विल बी स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 6 इनहेरिटेंस। इस चैप्टर के अंदर वी विल बी मोस्टली डिस्कसिंग के किस तरीके से हमारे पेरेंट्स से हम तक कुछ खसूसियात पास होती हैं, लाइक आईज की कलर, हेयर कलर, कद वगैरह सब कुछ किस तरीके से पास होती हैं। इसके अलावा उसको स्टडी करने के लिए कौन कौन से थ्योरीज मेंडल ने दिए थे, ग्रिगोर मेंडल ने एंड चार्ल्स डार्विन ने कौन कौन से हमें थ्योरीज दिए हुए थे, यानी एवोल्यूशन के बारे में एंड ट्रांसफर ऑफ जीन्स और इनहेरिटेंस के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले वी विल कवरिंग शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके पास सिर्फ 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिसको हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ जीन एंड हाउ डज इट वर्क। जीन क्या होता है और वो काम कैसे करता है। जीन्स बेसिकली पूरी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे बारे में जो हमें अपने पेरेंट्स से मिल रही होती है, लाइक हमारे आईज के कलर कौन से होंगे, हमारा हेयर कलर कौन सा होगा, हमारा कद किस हद तक बढ़ सकता है, हमारी मेटाबॉलिज्म की स्पीड क्या होगी। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पेरेंट्स ने हम तक पहुंचाई होती है वो सब कुछ हमारे जिस्म के अंदर जीन्स की शक्ल में मौजूद होती है। और ये काम कैसे करता है कि जिस प्रोसेस ऑफ वर्किंग होती है जीन्स के अंदर उसको हेरिडिटी कहते हैं, यानी कि हमें कुछ जीन्स पेरेंट्स मदर से मिलता है, कुछ जीन्स हमें फादर से मिलता है। तो इसमें से जो भी डोमिनेंट होता है वो हमें जो है अपने बॉडी के अंदर या हमें अपने अंदर नज़र आ रही होती हैं। क्वेश्चन 2 है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट है हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम। ऐसे क्रोमोसोम्स जो बिल्कुल एक दूसरे के सेम हो, सिमिलर हो, यानी उनका शेप सिमिलर है, उनका साइज सिमिलर, इवन उनका जो सेंट्रोमियर होता है जहाँ पे दो क्रोमेटिन जो है कनेक्ट हो रहे होते हैं वो सेंट्रोमियर का पॉइंट भी तक सेम होता है, तो ऐसे दो क्रोमोसोम्स को हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। हेट्रोलोगस क्या होता है, जब उसमें कोई ना कोई डिफरेंस हो रहा होता है, चाहे वो सेंट्रोमियर की जगह चेंज हो रही होती है या तो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो तब्दील हुई होती है, तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम लोग हेट्रोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। डोमिनेंट एलील क्या होता है कि जो हेट्रोलोगस क्रोमोसोम होता है उसमें से एक चीज़ हमें नज़र आ रही होती है, लाइक सपोज अगर हमें फादर की तरफ से ब्लैक कलर हेयर कलर मिला हुआ है और मदर की तरफ से ब्राउन हेयर कलर मिला हुआ है, तो इसमें क्या होता है अगर आपके अंदर जो है आपके हेयर कलर ब्लैक है तो उसका मतलब है जो ब्लैक जो जीन्स था वो ज़्यादा आपका डोमिनेंट है, यानी क्योंकि वो वाजे हो रहा है आपके अंदर। तो ऐसे एलील, यानी कि जैसे यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे एलील होता है जो जीन्स से बनता है, इसमें दो एलील्स हो गए लेट्स सपोज यहाँ पे, तो ऐसा एलील जिसके वजह से आपके अंदर जो वाजे तौर पर नज़र आ रहा होता है उसको हम लोग फिर डोमिनेंट एलील कहते हैं और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल से, यानी कैपिटल लेटर से हम लोग उसको शो कर रहे होते हैं। इसी तरीके से वो एलील जो हमें एक्सप्रेस जो हमें नहीं दिख रहा होता, लाइक सपोज हमने एग्जांपल दी पहले कि एक ब्लैक कलर का हेयर कलर होता है और एक ब्राउन कलर का हेयर कलर होता है, तो हेयर कलर क्योंकि हमें नज़र नहीं आया अपने बालों के अंदर तो वो रिसेसिव एलील होगी जो दब गया, यानी ऐसी खासियत जो हमें अपने पेरेंट्स से मिल रहा होता है बट फॉर वाट एवर रीज़न वो नज़र नहीं आ रहा होता हमारे अंदर तो वो रिसेसिव एलील कहलाता है और उसको जो है लोअर केस लेटर से यानी स्मॉल लेटर से शो करते हैं। एलील खुद क्या होता है, एलील बेसिकली होता है कि जीन्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, लाइक लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं ब्लड ग्रुप के, ब्लड ग्रुप के कौन कौन से एलील्स मौजूद है हमारे पास, एक ए ब्लड ग्रुप मौजूद है हमारे पास, बी ब्लड ग्रुप मौजूद है हमारे पास, ए बी मौजूद है, ओ मौजूद है, तो यानी जो एक ही ट्रेट का एक ही खसूसियात या खासियत का जो डिफरेंट वेरिएशन मौजूद होते हैं हमारे जीन्स के अंदर उनको हम लोग एलील्स कहते हैं। होमोजाइगस क्या होता है, ऐसा कोई जीन जो सेम टाइप ऑफ एलील से बन रहा हो, यानी कि लेट्स सपोज अगर आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से दोनों की तरफ से आपको ब्लैक हेयर कलर की एलील मिल रहा है तो आपका जो भी क्रोमोसोम होगा वो होमोजाइगस कहलाएगा। इसी तरीके से अगर आपको डिफरेंट एलील्स ना मिल रहे हैं, लाइक ब्लैक एंड ब्राउन मिल गया आपको या ब्लू एंड ब्लैक मिल गया आपको, एंड डिफरेंट आपको फैक्टर्स मिल रहे हैं अपने पेरेंट्स की तरफ से, तो फिर वो क्रोमोसोम फिर हेटरोजाइगस कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फेनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस इज देयर वेयर बोथ फैक्टर्स एक्सप्रेस इन अ हेटरोजाइगस कंडीशन। यानी कि अगर लेट्स सपोज जो डिफरेंट काइंड ऑफ एलील्स हमें मिले हुए पेरेंट्स की तरफ से वो दोनों हमें अपने अंदर नजर आए तो ऐसे कंडीशन को या ऐसे फेनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग ए बी ब्लड ग्रुप का, अब ए बी एक डोमिनेंट फैक्टर है और बी भी हमारा एक डोमिनेंट एलील है, तो जब वो किसी पेरेंट्स के थ्रू जो है बच्चे के पास चले जाता है तो अगर उस बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी आ जाता है तो उसका मतलब ये है कि वो को डोमिनेंस शो कर रहा है। को डोमिनेंस का मतलब है दो डिफरेंट काइंड ऑफ डोमिनेंट एलील्स मौजूद है और दोनों अपनी खासियत दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा कि कोई एक जो है वो दब जा रहा है, अगर दोनों दिखा रहे हैं तो ऐसे कंडीशन को हम लोग को डोमिनेंस कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज लिस्ट आउट द फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन द थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। जो चार्ल्स डार्विन है उन्होंने एक फेमस थ्योरी दिया था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन जो एवोल्यूशन से रिलेटेड है। सो उस थ्योरी के अंदर उन्होंने क्या क्या फैक्टर्स बताए थे कि किस तरीके से नेचुरल सेलेक्शन होती है,
तो उसमें हमारे पास चार चीजें उन्होंने कही थी, एक होती ओवर प्रोडक्शन, सेकेंड है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, थर्ड है हेरिटेबल वेरिएशंस, फोर्थ है नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बेसिकली होता यह है कि कौन सी नस्ल जो है वो आगे बढ़ेगी, यानी कि जो है एक ही ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट नस्लें होती हैं उसमें से कौन सी नस्ल ऐसी होगी जो आगे चलेगी और कौन सी नस्ल बाद में बन जाएगी। लेट्स सपोज बर्ड्स की एग्जांपल लेते हैं, बर्ड्स बहुत सारे एक्सटिंक्ट हो गए हैं, तो उस वो कौन कौन से वजूहात होते हैं वो पूछा गया है जिसकी वजह से नेचुरल सिलेक्शन आगे जो है उसका प्रोसेस चलता रहेगा। तो ओवर प्रोडक्शन होती है, यानी कि अगर वो उनकी जो रिप्रोडक्शन की रेट है बहुत ज़्यादा है तो ऑफकोर्स उनकी नस्ल आगे तक बढ़ेगी। सेकेंड है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी उनके लिए जो जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें मौजूद हैं उनकी इर्द गिर्द एनवायरमेंट उनको दे रहा है तो वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में आता है। थर्ड हेरिटेबल वेरिएशंस, यानी कि अगर लेट्स सपोज फॉर सम रीजन डिफरेंट मुश्किलात हो रही हैं उनको जिंदा रहने के लिए और वो उसके हिसाब से अपने अंदर तब्दीलियाँ लेकर आ रहे हैं, तो वो हेरिटेबल वेरिएशंस जो होती हैं, जो वेरिएशन उनके अंदर आई है, तब्दीली उनके अंदर आई है, वो अगर नस्ल दर नस्ल पास करते रहेंगे तो वो जो नस्ल है वो कंटिन्यू होती रहेगी। यानी कुछ एक सपोज एक साइंटिस्ट है, उनके हिसाब से ये था कि पहले जो जिराफ थे वो कुछ छोटे नेक के थे और कुछ लंबे नेक के थे, और क्योंकि अफ्रीका के जो प्लांट्स हैं ट्रीज हैं वो लंबे होते हैं तो जो जिराफ लंबे नेक वाले थे वो आसानी से दरख्त तक या उनके पत्तों तक पहुंच जाया करते थे, तो उनकी नस्ल जो है भूखे मारे नहीं मरी। जबकि जो छोटे नेक वाले थे जिराफ, वो उनकी क्योंकि वो जो है वो लीव्स तक नहीं पहुँच पा रहे थे तो भूख की वजह से उनकी नस्ल ख़त्म। फिर है फॉर नेचुरल सेलेक्शन, यानी इसमें बेसिकली है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि आपस में झगड़ने की वजह से फॉर वॉट एवर रीजन्स जो हैं इनके जो है नस्ल जो है आपस में भी उनके ख़त्म हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रिलेट आर्टिफिशियल सिलेक्शन विद नेचुरल सिलेक्शन, यानी नेचुरल सिलेक्शन आर्टिफिशियल सिलेक्शन किस तरीके से सिमिलर हैं या डिसिमिलर हैं। अब दोनों के पीछे जो मैकेनिज्म है, जो वर्किंग है, बिल्कुल सेम है। उसमें होता ये है जो नस्ल जो है अच्छी हेरिटेबल वेरिएशंस लेके आ रहा है, जो वेरिएशंस पैदा कर रहा है, अगर वो जो है अच्छी है या उसकी कंडीशंस के हिसाब से वो जिंदा रहने में मदद कर रही है तो वो हम लोग सिलेक्शन यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर या तो नेचुरल सिलेक्शन में जो है वो नेचुरली हो रहा होता है वो, और आर्टिफिशियल सिलेक्शन में इंसान खुद कर रहा होता है। इसके अलावा नेचुरल सिलेक्शन के अंदर क्या होता है, जो तब्दीली आ रही होती है वो परमानेंट होती है, वो नस्ल दर नस्ल चल रही होती है, जबकि आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अंदर वो इस टाइप की कोई चीज़ नहीं होती, वो सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म तक महदूद होती है। यानी आप अपने बुक में भी एग्जांपल दे सकते हैं कि हम लोगों ने आर्टिफिशियल सिलेक्शन थ्रू जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ हम लोगों ने बकरे या गोट्स हमने बनाए हैं, इसी तरीके से घोड़ों के डिफरेंट अक्साम हमारे पास आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू हम लोगों ने तैयार किए हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 6 कम्प्लीट हो चुका। अल्लाह हाफिज़।